समय हो गया है, प्रारंभ कर दें। जी गुरु जी, यजुर्वेद अध्याय 33 सूक्त 9 मंत्र संख्या 37। ओम तत् सूर्यस्य देवत्वं तत् महित्वं मध्याकरतोः विततं समजभार यदा इत अयुक्त हरितः सदस्थात् आत रात्रि वासः तनुते श्रीमस्मै। मंत्र सूर्यस ऐश्वर्यवान उत्पन्न करता प्रेरक तत् वह देवत्वम दिव्यता प्रकाश तत् वह महित्वम महत्ता है। करतोः कर्ता के विततम वितान विस्तार को पद प्रकाशित करता है। मेरा इत ही श्रीमस्मै सभी के हरिता है हरित सदस्थात साथ अयुक्त युक्त अब तब रात्रि तनुते कर्ता के विधान अर्थात विस्तार को मध्य में प्रकाशित करता है। यह उसका देवत्व, यह उसका महत्व है। कर्तव्य कर्म हमको करना है, मध्य में विघ्न बाधाओं के निवारण तथा कार्य को पूर्णता विस्तार प्रदान करने में परमात्मा का प्रकाश तथा सहयोग मिलता है। उसने ही सबके लिए रात्रि में विश्राम के लिए निवास की व्यवस्था की है। वह कष्टों का हरण करने वाला है। धातु वाले नियुक्त सुर ऐश्वर्य होना, पराक्रम होना, चमकना, सु उत्पन्न करना, ऐश्वर्य होना, सींचना, सु प्रेरणा करना, देवत्वम दीप प्रकाश करना, स्तुति करना, आनंद करना, प्रीति हरण करना, ले जाना, पहुंचाना, भ्रम करना, आउटर यूज करना, युक्त करना, हरित हरण करना, सब लोग सुन पा रहे हैं? जी स्वामी जी। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 37। ओम तत् सूर्यस्य देवत्वं तत् महित्वं मध्या करे तो विततम समजभार यदा इत अयुक्त हरितः सदस्थात् आत रात्रि वासा तन्ते सिमस्मै। तत् वह सूर्यस्य, सूर्य का हम लोग पहले भी कर चुके हैं। सुधातु का अर्थ सृजन करना, ऐश्वर्य होना, और सुधातु का अर्थ प्रेरणा करना। तो सृजनशील ऐश्वर्यवान प्रेरक सूर्य का तत् सूर्यस्य, सूर्य का वह देवत्वम, वही देवत्व है, दिव्यता है, जो सृजनशील है, ऐश्वर्यवान है, प्रेरक है, उसका वह देवत्व दिव्यता तत् महित्वम, वही उसका महत्व, उसकी महिमा, मध्य में करतो हो, कर्ता का, कर्तृत्व का, कर्मशीलता का, कुछ करने का, सृजन करने का, रचनाशीलता की भावना का कह सकते हैं, कर्तृत्व का, कुछ हम करना चाहते हैं, करने की भावना, केवल विचार नहीं, केवल बातें नहीं, कुछ किया जाए, कर्तृत्व हो, तो मध्या कर
दो हो, इस कुछ करने मध्य में कर्तृत्व के विततम विस्तार को, वितत तन धातु है विस्तार करना, उससे ये शब्द बनता है, विततम भी तो उपसर्ग है, ततम विततम विशेष विस्तार को समजभार सम उपसर्ग सम्यक भलीभांति जभार प्रकाशित किया। जभार में भा धातु है, भा धातु का अर्थ है प्रकाश कर, प्रकाश ये भा धातु का क्रिया रूप है प्रकाश किया, प्रकाश करता। तत् वह सूर्य के देवत्व को, वह महिमा को, सूर्य की महिमा को करतो हो मध्यावितम कर्तृत्व के मध्य में विस्तार को सम्यक प्रकाशित करता है। ये वह कौन है? वह वही परमेश्वर, वेद मंत्रों का मुख्य लक्ष्य वही परमेश्वर है। तो तक वह आता है, हम उसी को संबोधित कर रहे हैं, और इन गुणों को ग्रहण करने वाले जो उपासक हैं उन्हें भी हम उसी सम्मान से संबोधित करते हैं, यह भावना प्रेरणा ग्रहण करते हैं कि हमको भी इन गुणों को धारण करना चाहिए, अपने जीवन में इन गुणों को अपनाना चाहिए। सूर्य से अर्थात सृजनशीलता ईश्वर प्रेरणा को हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, यही देवत्व दिव्यता है, महित्वम, यही इसका महत्व है, महिमा है, और हमें कर्मशील रहना चाहिए। यदा इत अयुक्त, यदा जब इत ही, ये हमने बताया था एक एक वर्ण के ये निपात होते हैं जिनका बस बात पर बल देने के लिए आता है, इसका अर्थ आप ही भी जैसा ही कर सकते हैं चाहें तो, अन्यथा ये निपात है अपने आप में कोई विशेष अर्थ न रखते हुए भी बहुत महत्व रखते हैं, बात को बल देने के लिए प्रयुक्त होते हैं। बहुत से लोग ऐसा भी कह देते हैं कि छंद की पूर्ति के लिए आ गए, हाँ हो सकता है छंद में वर्णों की संख्या पूर्ण करने के लिए इन निपातों का उपयोग होता हो, परंतु वे एक अर्थ रखते हैं, उस बात को बल देते हैं, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। यदा इत, यदा जब इत ही, जब ही जब भी, जो हम कहते हैं जब भी करें, जब भी अयुक्त युक्त करते हैं, इसमें आ क्रिया उपसर्ग के रूप में ग्रहण करेंगे तो अयुक्त का अर्थ हुआ युक्त किया, युक्त करते हैं, और यदि आपको सामान्य उपसर्ग मानेंगे निषेध के अर्थ में तो युक्त अयुक्त का अर्थ हो जाएगा, जो युक्त ना हो तो संबोधन कारक में किसी को कह सकते हैं अयुक्त, क्योंकि विभक्ति तो कोई है नहीं, तो संबोधन कारक में कहेंगे हे अयुक्त, जो कहें युक्त नहीं है उसको हम संबोधन करें तो मुझे उचित प्रतीत नहीं होता, इसलिए यहाँ पर इसको क्रिया रूप ही मुख्यता माना गया है, युक्त किया या युक्त करता है ऐसा कह सकते हैं। जब भी, जब ही युक्त करता है हरिता सदस्था, हरिता हरि से, हरि का अर्थ है हरण करने वाला, ले जाने वाला, सदस्था साथ, जब भी वह हरण करने वाले ले जाने वाले के साथ युक्त करता है, जोड़ देता है, युक्त में युज धातु है जोड़ना, कह सकते हैं कि जब ही वह हरिता हरण सिर ले जाने वाले के सदस्यता साथ में अयुक्त युक्त करता है, जोड़ देता है, आत रात्रि, आत भी निपात अव्यय के रूप में ही है, समन्तात सम्यक संपूर्ण रूप से आत इसी भाव से ग्रहण किया जाता है, रात्रि, रात्रि में वासा वास
निवास सम्यक रूपेण रात्र के लिए वास तनुते विस्तार करता है। तन धातु का अर्थ विस्तार करना, अभी पितितम में भी यही तन धातु थी, तो तनुते विस्तार करता है सिमस्मय सबके लिए। ये सिम सर्वनाम है, सिमस्मय सर्वनाम चतुर्थी एक वचन है सभी के लिए। सिम का अर्थ है सभी, सब कुछ। आप जानते हैं आपके पास एक सिम है जिसमें सब कुछ है, सबका नाम, उनका संपर्क आदि आदि, जाने कितनी जानकारी आपके सिम में समाहित है। सिम का अर्थ है सब, सभी, सब कुछ उसी में है, उसको सिम नाम दिया गया। जी हाँ, नाम अब दिया गया, वेद में सिम आया, वो सहज भाव से सर्वनाम है। तो जो पहले शब्द होते हैं, नई वस्तुओं का नाम हम उसी के आधार पर रखते हैं, सभी का रखते हैं, तो इस रूप में चाहें तो ग्रहण भी कर सकते हैं। तो वह सूर्य के देवत्व को, सूर्य की महिमा को कर्तृत्व के मध्य में विस्तृत प्रकाशित करता है। जब भी वह ले जाने वाले के साथ संयुक्त करता है, वही हमें रात्रि में सुविधाजनक वास आवास सबके लिए तनुते विस्तार करता है। यह इस मंत्र का सहज सरल सार्थ हम स्वीकार कर सकते हैं। अब हम इस मंत्र की व्याख्या को यहाँ विराम दे सकते हैं। आप लोगों का जो भी प्रश्न आदि हो कर सकते हैं, पाठ आदि करना चाहें कर सकते हैं, जो कुछ हमसे हो सकेगा हम सहयोग करेंगे। जैसा ओके समझे कोमल जी, देखिए जी, मंत्र को लेकर किसी का कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। गुरु जी, समय तो अभी काफी है, तो ये जो कल वाला मंत्र है, क्या इसको आप एक बार और व्याख्या कर देंगे, क्योंकि कल रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी तो ये छूट गया है, तो यदि संभव हो सके तो। मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए, जैसा आप कह रहे हैं प्रयास करते हैं। यजुर्वेद अध्याय 33 मंत्र 36, ओम तरण ही विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृत असि सूर्य विश्वम आभासी रोचनम। ये गायत्री मंत्र, गायत्री छंद में सुंदर सा मंत्र। वस्तु में यह मंत्र इतना सीधा सरल है, इसे बहुत किसी व्याख्या की अपेक्षा ही नहीं है। जब ये आपने कहा है तो पुनः हम प्रस्तुत कर देते हैं। तरणी ही तारने वाला, पार करने वाला, विश्व दर्शको सबको दिखाने वाला, ज्योतिष्कृत ज्योति करने वाला, प्रकाश करने वाला, असि हो सूर्य संबोधन कारक में है, हे सूर्य, हे सृजनशील, हे सर्वान प्रेरक परमेश्वर, आप तरणी सबको पार करने वाले हैं, विश्व दर्शको सबको दिखाने वाले हैं, ज्योतिष कृत प्रकाश करने वाले हैं,
विश्वम आभासी रोचनम, विश्वम सबको रोचनम, रोचन को आभास प्रकाशित करते हो, रोचन शब्द को, इसमें रुचि धातु है, रुचि रुचना हम सब जानते हैं, धातु पाठ में इसका एक अर्थ प्रकाशित होना भी है, तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं सबकी रुचियों को प्रकाशित करते हो, विश्वमाभास रोचनम, जो रुचकर है उसे प्रकाशित करते हो, और ऐसा भी कह सकते हैं कि हे परमेश्वर आप तो प्रकाश को भी प्रकाशित करते हो, जो भी प्रकाशमान सूर्यादि हैं सबको वही प्रकाशित करता है, ये भाव हमको इससे ग्रहण करना है। छोटा सा सीधा सरल सा मंत्र है, बहुत विस्तृत व्याख्या की इसकी अपेक्षा नहीं है, तो इस चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। आप जैसा उचित समझे दोनों मंत्र अलग भी कर सकते हैं प्रस्तुत करने में आगे, तो अब जैसा उचित समझे चर्चा कर सकते हैं, कोई भी प्रश्न विचार पाठ जो भी आप उचित समझे वो। जी गुरु जी, प्रश्न ले लेते हैं, किसी को किसी का प्रश्न हो दोनों मंत्रों को लेकर तो स्वागत है। कुछ नए सदस्य भी दिख रहे हैं, चंद्र नरेन वाजपेयी जी, क्या आप पहली बार जुड़ रहे हैं हमारी कक्षा से? श्रद्धा हल्ला मत करो, रिकॉर्डिंग हो रही है, कृपया परिचय दे दें उचित समझे तो, जो लोग भी साथ में जुड़े हैं आज आए हैं तो परिचय हो जाएगा, अच्छा रहेगा जैसा उचित। अपना माइक चालू करिए, आपका माइक बंद है। यदि कोई साथी जुड़े हैं परिचय देना चाहे तो दे सकते हैं, और नहीं देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ें। ओम चंद्र नरेंद्र जी, आपका माइक चालू नहीं है, किसका माइक चालू नहीं है? हमारा माइक तो खुला है। ये जो नए वृद्ध व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं ये चंद्र नरेंद्र जी हैं, इनका माइक ऑन नहीं है। नहीं, वो नहीं बोलना चाह रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है, कुछ समझे तो परिचय दे सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई और प्रश्न हो विचार हो तो रखें, हम लोग आगे बढ़ें, पाठ कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं, जैसा भी हो यथा समापन किया जाए, कोई ऐसी बात नहीं। पुलकित जी, आप एडमिनिस्ट्रेटर तो आपके पास होगा उसका, कि आप चालू कर दीजिए। कोमल जी हैं होस्ट, तो अगर ऐसा कोई प्रावधान है तो देख लीजिए, कोमल जी कहें तो अगर आप कर सकते हैं तो। नहीं गुरु जी, ऐसा चालू करने का कोई सिस्टम नहीं है, बंद करने का जरूर है। हाँ ये ठीक है, कोई बीच में अनावश्यक बोले तो बंद कर सकते हैं, ये होना चाहिए, और चालू मतलब वो स्वयं बोलना चाहे तो कर सकते हैं, ये ठीक है। तो उन्होंने अपना परिचय देने का प्रयास तो किया है, उनका माइक बंद होने से अपने पास आवाज नहीं आई। हमारा चंद्र नारायण वाजपेयी हम बोल रहे हैं, हमारी चंद्रा गारमेंट करके 40 दुकान मार्केट में दुकान है, मैं आपके पास दो बार हो आया हूँ, घर पे स्वामी जी से मुलाकात हुई है हमारी, और कल गौरव से मैंने फोन करके जब कहा है तब गौरव ने हमारे को आपसे जोड़ा है, ये है पोजीशन हमारी, और गौरव ने हमको आपसे अभी कनेक्ट किया है, और मोबाइल अभी मैं सही ढंग से अपडेट नहीं कर पाता हूँ, तो हमारे मित्र हैं पांडे जी, उन्होंने ये सब सेटिंग करके दी है हमको।
हमारी ये पोजीशन है कि मैं अभी मोबाइल अपडेट नहीं कर पाता हूँ सही ढंग से। हेलो जी जी स्वागत है आपका। हाँ अब आप तो, मैं अभी मोबाइल अपडेट नहीं कर पाता हूँ सही ढंग से, इसलिए अपनी बात नहीं कह पा रहा हूँ। पंत आपसे दो बार मैं घर पे मिलके आ चुका हूँ, गौरव भी हमारे साथ में हमारी दुकान पे आ चुके हैं जी, और जी। वो तो जानते हैं। अच्छा मैं औपचारिक रूप से आप जुड़े हैं तो ये था सभी लोगों का कि एक परिचय जो लोग नए जुड़ते हैं बच्चे कर लेते हैं उस दृष्टि से। भाई हम तो आप परिचित हैं है, कोई बात नहीं है, लेकिन और जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए हाँ अच्छी बात है। तो हम अभी मोबाइल अपडेट करने में होशियार नहीं हूँ मैं। नहीं वो हम सबका यही है, बच्चे जितना कर लेते हैं हम आप नहीं कर सकते, वो स्वाभाविक है बच्चों के सारे ही रहा है। अच्छी बात है, चलिए बहुत अच्छा लगा आपको यहाँ भी देख करके मिले ही हैं यहाँ और भी अच्छा लगा। तो ऐसे ही आपका आशीर्वाद बना रहे, अच्छा कार्य हम सब लोग मिल करके करते रहे। अब हमको तो ये है कि कल गौरव से हमने जब बातचीत की है तब आपसे हमारा कनेक्शन आज हो पाया, वो भी हम अपने मित्र के पास बैठे हैं, वो सब हमको गाइडेंस कर रहे हैं तब हम आपसे जुड़ पाए हैं, नहीं तो हम तो आपकी बात हमको सुनाई पड़ रही है, हमारी बात आपको सुनाई पड़ रही है। तो ये हमारे मित्र जो है पांडे जी, इन्होंने हमको सब सेट करके दिया है, और नहीं तो हम तो मोबाइल अभी चला ही नहीं पाते। जी जी हमारी व्यवस्था भी नहीं, बच्चों ने ही बनाई है गौरव जी, ये सब व्यवस्था हम बनाते हैं, आपको जानते ही हैं। हाँ सब वही करते हैं। एक अच्छा प्रारंभ की कोमल जी, सब लोग इनके साथी हैं, सब मिलकर के बच्चे चला रहे हैं, सब छोटे छोटे बच्चे हैं अभी पढ़ते हैं, और भी लोग भाई ये पढ़ना है तो इन्होंने एक अच्छा प्रारंभ की और चल रहा है थोड़े से, अच्छी बात है। दो समय हो गया, नवमास का समय हो चुका है इस कक्षा को कह सकते हैं, और अच्छे से चल रहा है। तो ठीक है कोमल जी आगे बढ़े। अब आगे आप बताइए। हाँ तो कोमल जी देखें कोई इसमें ये भी होता है, इस जो चर्चा हुई है उस पर कोई प्रश्न होता है तो लोग प्रश्न करते हैं, प्रश्नोत्तर हो जाता है। प्रश्न अभी मैं करने के योग्य नहीं हूँ, उतनी काबिलियत अभी मेरे को अंदर नहीं आई है कि मैं प्रश्न करूँ। जी मैं अभी प्रश्न नहीं कर पाऊंगा, आपकी बात को सुनूंगा केवल। किसे कहा जाता है आपकी बात नहीं है, जो लोग भी जिनको कुछ लगता है कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं। ये है यहाँ पर ये सुविधा है, जो मंत्र की चर्चा हुई है उसी से संबंधित करते हैं, इधर उधर के प्रश्न नहीं करते, ये तो है। मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ, आपकी बात सुन सकता हूँ केवल। जी 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 तो कोमल मैं प्रश्न हो किसी का तो ले लीजिए, अन्यथा समापन करें। ओम जी, किसी को कुछ कहना हो तो कहिए। गुरु जी प्रणाम। जी मैं ये जानना चाहता हूँ कि आग्निदेव पूज्य और अपूज्य व्यक्ति दोनों व्यक्तियों का मतलब सात्विक और असात्विक, साधारण और असाधारण, मतलब जो सब कुछ भक्षण करते हैं उनका, जो केवल पूजा पाठ करते दोनों का बराबर जो है आवाहन स्वीकार करते हैं अग्निदेव का, जब लोग डालते हैं आहुति डालते हैं तो दोनों का बराबर स्वीकारी हो। देखिए आपको बताया था कि उसमें कुछ भेद होता है। हाँ सुनिए, आपको बताया था कि ये दैनिक कक्षा में अभी भी कहा कि जो मंत्र दिया गया है उस मंत्र से संबंधित प्रश्न करें, रविवार को प्रातः 11 बजे विशेष सत्र होगा, उसमें आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। तो आज शनिवार है, कल प्रातः 11 बजे आप जुड़े और ये प्रश्न या इस जैसे कोई भी प्रश्न
सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कल प्रातः 11 बजे कर सकते हैं, वो उन्मुक्त खुला सत्र होता है। और सायंकालीन सत्र में हम लोग वेद मंत्र व्याख्या करते हैं और उससे संबंधित ही प्रश्न करते हैं, ये आपको बता चुके हैं पहले भी और अभी भी बताया है, तो इसका ध्यान रखें। कल प्रातः 11 बजे आप जुड़े गौरव जी की कक्षा में और उसमें आप कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, प्रतिज्ञावश करेंगे। ओम कोमल जी, देखिए आगे अगर कोई प्रश्न है इससे संबंधित, समापन समय हो रहा है। जी, मंत्र को लेकर किसी का कोई प्रश्न, किसी का प्रश्न नहीं है गुरु जी, तो हम समापन करते हैं। ओम यो असौ आदित्य पुरुषः सौ असौ अहम्, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, सभी को नमस्ते जी। ओम यो असौ आदित्य ते पुरुषः सो असो अहम्, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, सबको सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, सभी को सादर नमस्ते। ओम सो आदित्य पुरुषः तो अहम, ओम खम्रम, सभी को सादर नमस्ते। कल प्रातः काल 11 बजे विशेष साप्ताहिक कक्षा में हम लोग पुनः मिलते हैं। प्रातःकालीन सत्र में साप्ताहिक कक्षा में सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न कर सकते हैं, आप सब जानते हैं, तो तैयारी के साथ मिले, चर्चा करते हैं। हाँ, ये बात भी आई थी कि मंत्रों का पाठ सीखने वाली बात सायंकालीन कक्षा में कुछ करते ही हैं, और ये भी था कि साप्ताहिक कक्षा में मंत्र का पाठ भी प्रारंभ करेंगे कल। थोड़ा प्रयास करें सब लोग ऐसा कि जिनकी भी इच्छा है सीखने की तो वो भी कर सकते हैं, कुछ मंत्र पाठ कर लें और कुछ प्रश्न उत्तर भी कर लें। कल प्रातः 11 बजे हम लोग साप्ताहिक विशेष कक्षा में पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम नमस्ते। सभी साथियों को शुभ रात्रि।